जींद उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है और थोड़ी ही देर में आपको रुझान हम देंगे। पहला रुझान आप देखेंगे सबसे पहले टोटल न्यूज पर, जींद उपचुनाव पर सबसे बड़ी महा कवरेज देख रहे हैं आप टोटल न्यूज पर। थोड़ी ही देर में, बस थोड़ी ही देर में रुझान आपको देंगे और जींद उपचुनाव पर टोटल न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। पल पल की खबरें हम आपको दे रहे हैं, सटीक, सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे आप देखेंगे टोटल न्यूज पर। कौन किससे कितने वोटों से आगे है, कौन किससे कितने वोटों से पीछे है और कौन सा उम्मीदवार यहां पर किस स्थिति में है, सारी जानकारी आपको देखेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं जींद उपचुनाव पर टोटल न्यूज की महा कवरेज। मतगणना शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर बाद आपको सबसे पहला रुझान हम दिखाएंगे। लगातार बने रहिए टोटल न्यूज के साथ और लगातार टोटल न्यूज आपको पल पल की खबरें हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी महेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। महेश, काउंटिंग शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, 8 बजने के साथ ही जो ईवीएम मशीनें हैं उन्हें खोलने की इजाजत दे दी गई है। 14 जो काउंटिंग टेबल्स हैं, 13 राउंड्स में ये पूरी काउंटिंग की जानी है। फिलहाल 8 बजने के साथ ही जो ईवीएम मशीनों को खोलने की इजाजत है वो जींद के अर्जुन स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में तमाम जो अंदर काउंटिंग एजेंट्स मौजूद हैं, तमाम जो कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, काउंटिंग को लेकर जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें इजाजत दे दी गई। 8 बजने के साथ ही ईवीएम मशीनों की सील खोलनी शुरू कर दी गई है और काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं वहां पर महेश, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा था 8 बजने का, 8 बज चुके हैं, कुछ ही देर में रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे और सबसे पहले हम रुझान दिखाएंगे टोटल न्यूज पर अपने दर्शकों को। देखिए, जो तमाम जो काउंटिंग एजेंट्स थे वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, अब बहुत ज्यादा अंदर दाखिल होने की गुंजाइश कम है। हालांकि उमेश सिंह रेडू की तरफ से एक नाराजगी जरूर यहां पर जाहिर की गई थी, इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं, उसके अलावा अभी तक किसी तरह की नाराजगी इंतजाम को लेकर जाहिर नहीं की गई है। फिलहाल जो अंदर काउंटिंग की जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे जो ईवीएम मशीनों में काउंटिंग के जो आंकड़े वो सामने आएंगे हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल जो स्टेडियम के भीतर दाखिल होने वालों जो भीड़ थी वो अब एक तरीके से थम चुकी है, क्योंकि तमाम वो लोग जिन्हें काउंटिंग एजेंट के रूप में अंदर दाखिल होना था, जिनके आई कार्ड्स बनाए गए थे, वो तमाम लोग अंदर दाखिल हो चुके हैं। अब बहुत ज्यादा जो गतिविधियां हैं वो नजर नहीं आ रही, अब एक तरीके से मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, पुलिस का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जो पहला जो रिएक्शन है वो सामने तब आएगा जब पहला रुझान सामने आएगा, क्योंकि अभी इंतजार सिर्फ और सिर्फ पहले रुझान का है। जी बिल्कुल महेश, और जिस तरीके से देखा जा रहा था जो उमेश सिंह रेड्डू थे उन्होंने जिस तरीके से बवाल मचाया था उसको लेकर क्या लगता है आपको, अगर यहाँ पर हार होती है तो उसका फायदा वो बाद में ले सकते हैं? देखिए, फायदा और नुकसान से ज्यादा खराब स्थिति उनकी रहेगी, जिस तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल एक बेहद शर्मनाक हार का सामना करने जा रही है, जिस तरीके से जो हम अंदाजा लगा पा रहे थे जो अलग तमाम ग्रामीण इलाकों का हमने दौरा किया और जिस तरीके से लोगों की राय शुमारी की थी, उसके बाद जिस तरीके से वोटिंग पैटर्न को हमने देखने की कोशिश की थी, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि एक बेहद शर्मनाक हार की तरफ इंडियन नेशनल लोकदल बढ़ रही है। जैसे जैसे चुनाव परिणाम सामने आएगा एक शर्मनाक हार जो इंडियन नेशनल लोकदल के लिए सामने आएगी, तो ऐसे में उमेश सिंह रेडू के लिए जीत या हार से बहुत ज्यादा हार या फायदा या नुकसान की स्थिति का सामना नहीं वो कर पाएंगे, क्योंकि बेहद शर्मनाक हार की तरफ इंडियन नेशनल लोकदल बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे पल पल की जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में आपको बता दें कि कांग्रेस से जुड़े हुए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहन ढिल्लो और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीरेंद्र सोनी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का यहां पर किस तरह से देखते हैं जींद उपचुनाव को। सबसे पहले जाते हैं मोहन ढिल्लो के पास। मोहन ढिल्लो, यहां पर जो घड़ी जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है और रुझान जो है वो आने बाकी है, किस तरह से देखते हैं जींद उपचुनाव को, किस तरह से तैयारी की थी और क्या लगता है आपको किस तरह से कड़ी टक्कर के बीच कौन आगे निकलेगा? देखिए मोनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जींद उपचुनाव अगर किसी ने विकास की लड़ाई लड़ी या विकास के नाम पर लड़ा जी, तो वो कांग्रेस पार्टी है। सब भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यहाँ पर जो जिस तरह से शहर की समस्याएं थी, चाहे वो सीवरेज की थी, चाहे गंदे पानी के निकास की थी, चाहे वो हॉस्पिटल्स की थी जहाँ पर डॉक्टर ना हो, वो सारी समस्याएं चुनाव में लेकर
वो गए जनता के बीच में और जनता ने भरपूर समर्थन दिया और हमें काफी समर्थन मिला और जीत निश्चल आज कांग्रेस पार्टी की ही होगी। किन पार्टियों में टक्कर आप देखते हैं, कितना विश्वास है आपको कांग्रेस की प्रचार प्रसार पे? अगर बात करें तो तमाम पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है, आपको क्या लगता है किस तरह से जो शुरू से माना जा रहा है कि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, आपको क्या लगता है कौन कौन है जो आपके कंपटीशन में है, किस तरह से कौन आगे बढ़ सकता है? आप बोल रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला जो है वो यहाँ पर जीतेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन बात सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपने बड़े चेहरे यहाँ पर उतारे हैं। अगर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की तरफ से है तो यहाँ पर जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला है और बीजेपी की अगर बात करें तो कृष्ण मिटा यहाँ पर है, तो यहाँ पर किस तरह से अलग तरीके से आप देखते रहे कांग्रेस की तैयारियों को और कांग्रेस के कामों को? देखिए पहली बात तो मोनिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा ही समय रह गया है रिजल्ट आने में, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और रही बात चेहरों की, तो बीजेपी की तो ये हालात थे इस चुनाव में कि उनके पास उम्मीदवार नहीं था। उन्होंने आदरणीय हरिचंद मिड्डा जी के बेटे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी को लाए जो पहले इनेलो में होते थे। अगर इतनी भारतीय जनता पार्टी जमीन पर इतनी मजबूत होती तो जिस तरह से मेयर के चुनाव में और उसके बाद ये जींद उपचुनाव में उन्होंने उधार के उम्मीदवारों पर चुनाव लड़ा, आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालात क्या है। और रही बात इनेलो और जेजेपी की, देखिए वो तो परिवार आपस में पारिवारिक लड़ाई में फंसकर एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं। आप देखेंगे तो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी ही विकास की लड़ाई, जींद की जनता की लड़ाई लड़ेगी और निश्चय देखिए आप थोड़ी देर में जीत कांग्रेस पार्टी की ही होगी। थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। वरिष्ठ पत्रकार के पास पहुंचेंगे वीरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, किस तरह से देखते हैं जींद उपचुनाव को, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने अपनी ताकत सारी झोंक दी है और किसी भी की अगर मुद्दे की बात करें तमाम जो हथकंडे हैं वो अपनाए गए हैं, इमोशनल अपील की गई है, जात पात की यहाँ पर बात की गई है, जातीय समीकरण हमने देखा और सभी पार्टियों ने सभी तरीके से यहाँ पर जनता को मनाने की कोशिश की है। नहीं, अब दावों प्रति दावों के बीच तो बहुत कम समय रह गया है, अब सबके परिणाम सामने आने ही वाला है। उस जो क्यास लगाए जा रहे थे उसके भी सब आपके सामने आ जाएगा, लेकिन इस चुनाव का हरियाणा की राजनीति पर जो जातिगत समीकरण है, जातीय उन्माद पैदा किया गया है, उसका निश्चित रूप से प्रभाव पड़ने वाला है। और सहानुभूति की लहर भी अपने ढंग से हर उम्मीदवार ने कोशिश की है और जनता के बीच अपना संदेश देने का प्रयास किया है। ये जींद की जनता ने, प्रबुद्ध जनता ने ये अपने आप को जो जनादेश दिया है उसका जो फैसला किया है, अब कुछ समय की बात रह गई है। लेकिन इस चुनाव से एक बात ये स्पष्ट हुआ है कि विकास के दावे गौण रह गए हैं, जो सहानुभूति के साथ साथ जो जातिगत वातावरण बनाने का प्रयास किया गया वो निश्चित रूप से जो है उस पर हरियाणा की राजनीति में आने वाले समय पर भी असर पड़ेगा। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इससे साथ साथ राजनीतिक दलों का क्या भविष्य है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का क्या भविष्य है और क्षेत्रीय दलों को राज्य की जनता किस रूप में देखती है, इसका फैसला भी इस चुनाव में होने वाला है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको इस बार किस मुद्दे की जीत होगी, विकास या फिर जाति? देखिए जाति भी उतना मुद्दा है और विकास का मुद्दा भी है। अब विकास तो जींद की जनता देख रही है, सब विकास के दावे सभी ने किए हैं और जींद अभी तक पिछड़ा हुआ है और अब जो नया विधायक भी चुना जाएगा उसके पास भी कुछ समय नहीं होगा, तो विकास को कितनी गंभीरता से लेती है। लेकिन नीति और नियत को अवश्य जींद के मतदाताओं ने देखा है और जातिगत समीकरण सबसे ज्यादा हावी रहे हैं और जातिगत समीकरणों के आधार पर ही राजनीतिक दलों ने अपनी टिकटों का वितरण किया है। मैं समझता हूं कि जातिगत जो राजनीति रही है वो ज्यादा हावी रही है, विकास के मुद्दे गौण चले गए और सहानुभूति को भी भुनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, और यही कारण लगता है वीरेंद्र जी कि यहाँ पर जो विकास के मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं साइड दरकिनार कर दिए गए हैं और यहाँ पर जाति का जो मुद्दा है उसको ज्यादा जो तवज्जो दी गई है और यही कारण है कि आज जींद की जो जनता है वो विकास के लिए तरस रही है। चलिए सीधा चलते हैं महेश के पास, जींद से हमारे साथ काउंटिंग सेंटर से लगातार वो जुड़े हुए हैं। महेश, क्या कुछ रुझान सामने आ रहे हैं, मतगणना शुरू हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो भी काउंटिंग सेंटर के भीतर दाखिल हो चुके हैं, ईवीएम मशीनों के पास पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी एक यहाँ पर जीत का कहीं ना कहीं उम्मीद अपने साथ लिए हुए हैं और यही वजह है कि सबसे पहले वो जो है पहुंच चुके हैं और काउंटिंग सेंटर के भीतर इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो मल्टीपर्पज हॉल है अर्जुन स्टेडियम का, वहां पर जहां ईवीएम मशीनों की काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है वहां अंदर दाखिल हो चुके हैं और रणदीप सिंह सुरजेवाला काउंटिंग के इस प्रोसेस में खुद शामिल हो चुके हैं, अपनी नजर रखे हुए हैं। जी
बिल्कुल, और आज फैसला हो जाएगा महेश के कुछ ही क्षण बाकी है फैसला होने में 12 बजे तक। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर नतीजे हैं वो साफ हो जाएंगे कि कौन जीन का किंग बनेगा और किस तरह की जो स्थितियां हैं वो आप वहां पर देख रहे हैं, किस तरह की जानकारियां आपको मिल पा रही हैं, रुझान जो है कितने प्रतिशत जो है पता चल जाएंगे और कब से कब तक क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है। देखिए फिलहाल ईवीएम मशीनों की जो सील है वो खोली गई, ईवीएम मशीनों की काउंटिंग जो अब शुरू हो गई है। जिले के पुलिस कप्तान अश्विन सैन भी अभी मौके का जायजा लेकर निकले हैं और जिस तरीके से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कांग्रेसी उम्मीदवार रणदीप सिंह सुरजेवाला अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो साफ तौर से यहाँ पर एक काउंटिंग की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती नजर आ रही है और साफ तौर से जैसे ही पहला रुझान सामने आएगा हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। फिलहाल ईवीएम चूंकि फर्स्ट फेज है और पहली बार जो ईवीएम मशीनों को काउंट ओपन किया जाना है तो उसमें शुरुआत के पहले फेज में थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर, तो फिलहाल इंतजार पहले रुझान के सामने आने का, उसके बाद जो आगामी रुझान सामने आएंगे वो जल्दी जल्दी सामने आएंगे। बिल्कुल, हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं वीरेंद्र सोनी जी, उनके पास जाएंगे। सोनी जी, रणदीप सुरजेवाला काउंटिंग सेंटर पे पहुंचे हैं और उन्होंने जमकर प्रचार किया है उपचुनाव, जिन उपचुनाव के दौरान कितना असर उनका रहेगा और कितना असर रहने वाला है, क्या कुछ दिख रहा है आपको? रणदीप सुरजेवाला जी बहुत बड़ा कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा है, अब कैथल का विधायक होते हुए उनको मैदान में उतारा गया है तो राहुल गांधी ने उनको मैदान में उतारा, तो इसलिए उनका कद बहुत निश्चित रूप से बड़ा होगा। लेकिन मैं ये बताता हूं कि जो सबसे पहले तीन चक्र के जो मतदान का मतगणना होगी उससे क्या रुझान रहेगा, अगर उनमें बीजेपी बढ़त बनाती है, हालांकि कंडेला खाप के गांव हैं तो अगर बीजेपी बढ़त बनाती है तो बीजेपी की जीत निश्चित मान लेनी चाहिए, अगर पहले तीन राउंडों से ही जीत निश्चित मान लेनी चाहिए क्योंकि कंडेला खाप के गांव हैं। अगर इसमें अन्य दल बनाते हैं तो भी ये रहेगा कि मुकाबला कड़ा है, मुकाबला कड़ा होने के साथ साथ इस बात का भी संकेत है कि राज्य की जनता ने नीति और नियत के साथ साथ किस दल को अपनी प्राथमिकता दी है और रणदीप सुरजेवाला के साथ राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के जो एक एकता का प्रदर्शन हुआ है उसकी भी अब इससे अनुमान लगाया जा सकता कि ये एकता कितनी वास्तविकता थी और ये नेताओं का या छदम एकता का इन्होंने प्रदर्शन किया है। रणदीप सुरजेवाला ने जनता के बाद अब माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेकने के बाद मतगणना स्थल पर पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से उनकी धर्म के प्रति आस्था भी है और उनका राजनीतिक भविष्य दांव पे लगा हुआ है। उसके साथ साथ ये भी मानना चाहिए कि कांग्रेस के कद्दावर नेता, अन्य कद्दावर नेता थे, उनकी जनता में कितनी साख थी और उन्होंने कितनी ईमानदारी से रणदीप सुरजेवाला के लिए काम किया है, इसका प्रदर्शन भी इस उपचुनाव के माध्यम से परिणाम से आपके सामने आ जाएगा। बिल्कुल, तो साफ यहाँ पर देखा जा सकता है, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है और सबसे पहला रुझान आप देखेंगे टोटल न्यूज पर, लगातार हम आपको बता रहे हैं। मां कवरेज आप देख रहे हैं जींद उपचुनाव पर। मोहन मिड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। मोहन, जिस तरह से मतगणना शुरू हो रही है आपकी भी जो लगातार जो धड़कन है वो तेज हो रही होंगी। बिल्कुल निश्चित तौर से, देखिए इतने दिन मेहनत करी कांग्रेस पार्टी पे सबने, हमने भी वहाँ चुनाव में जाकर काफी मेहनत की, तो देखिए कोई भी अगर आप, ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर कोई बच्चा भी एग्जाम देता है और जब उसका रिजल्ट आता है धड़कनें बड़ी होती हैं, स्ट्रेस एंजाइटी काफी होती है और काफी सारी चीजें, पर निश्चित तौर से हम आश्वस्त हैं। जिस तरह से जींद की जनता का प्यार हमें देखने को वहां पर मिला, लोगों ने सम्मान दिया, आप देखिए आपसी अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जीतते हैं तो वहां पर जींद के अंदर आपसी भाईचारा जीतेगा, क्योंकि देखिए सब लोग, जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे थे, चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हो, चाहे वो जेजेपी के उम्मीदवार हो, चाहे वो इनेलो के उम्मीदवार हो, चाहे कोई और भी उम्मीदवार हो, सबके सब वहां पर जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही थी सब जातीय समीकरण को लेकर चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जो विकास के नाम पर और आपसी भाईचारे के नाम पर लोगों को जोड़ने की राजनीति कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों को जोड़ा है, कभी किसी को तोड़ा नहीं है। ये दूसरी गैर सांप्रदायिक ताकतें जो देश को, समाज को तोड़ने की बातें करती हैं, हमारी लड़ाई उनके खिलाफ थी और हमने जींद में खूब मन लगा के उनके खिलाफ प्रचार किया और जींद की जनता ने हमें बहुत ज्यादा प्यार दिया, बहुत आश्वस्त किया, हम अपनी जीत से आश्वस्त हैं। जी मोहन जी, कम से कम हरियाणा में तो ये कांग्रेस के अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि जो स्थिति देखी जाती है हरियाणा में कांग्रेस की वो यहाँ पर ठीक ठाक नजर नहीं आती, बीजेपी यहाँ पर मजबूत पार्टी है, तो ऐसे में अस्तित्व की लड़ाई माना जाए? देखिए बीजेपी, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, बीजेपी कहाँ से मजबूत पार्टी, जब उधार के उम्मीदवारों पर एक पार्टी चुनाव लड़ रही है जी, तो आप उसे कैसे एक मजबूत पार्टी बोल सकते हैं? अगर वो मजबूत पार्टी तो किसी भी उम्मीदवार को खड़ा कर दे, कहीं से भी वो चुनाव जीतेगी।
अब देखिए ये आप ये देखने की और समझने की बातें हैं मोनिका जी। ये लोगों का तरीका सिर्फ और सिर्फ विकास की बातें नहीं करते, ये जब भी चुनाव आता है तो धर्म जातिवाद और इन सब बातों इनको याद आ जाती है, क्योंकि विकास के नाम पर इनको कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी लिस्टें थमा देंगे आप, मौके पर जाकर वहां जींद में देखेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। आप इनके प्रवक्ताओं से पूछेंगे तो बड़ी बड़ी लिस्टें होंगी उनके पास, ये कर दिया, 9 करोड़ लगा दिए, 2 करोड़ लगा दिए, 5 करोड़ लगा दिए। वहां मौके पर जाके देखेंगे, वहां जनता से पूछेंगे, उनके दिल का दर्द जानेंगे, समझेंगे, तो 4.5 साल में उन लोगों की वहां सुनने वाला कोई नहीं था। उनको सरकार का होना या ना होना उनके लिए बराबर था। देखिए आप भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में रख रहे हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी ने उधार के उम्मीदवार से काम चलाया, लेकिन आपने भी तो कांग्रेस ने तो ऐसा किया, कांग्रेस ने एक विधायक को ही मैदान में उतारा। क्या कांग्रेस के पास स्थानीय स्तर पर कोई उम्मीदवार नहीं था जिसको वो मैदान में उतारती? भाई ये जो पहले से विधायक हैं, कैथल से पहले ही विधायक हैं, और विधायक को ही दोबारा आप चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, क्या स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं था क्या? जवाब दीजिए मोहन जी। आदरणीय सोनी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जहां पर चेहरे चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर चेहरों को ही सामने चुनाव लड़ाया जाता है। तो इसीलिए रणदीप सिंह सुरजेवाला जी वहां पहले भी नरवाना से विधायक रहे हैं और जींद की जनता उन्हें प्यार करती है, और जनता की डिमांड पर, जनता की आवाज पर उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है। नहीं, जनता की आवाज पे नहीं, राहुल गांधी जी के कहने पे। जनता ने फैसला नहीं किया, स्थानीय कार्यकर्ताओं से कोई फीडबैक नहीं लिया गया, स्थानीय कार्यकर्ताओं को जाने की। प्रदेश कांग्रेस समिति ने कोई किसी अन्य उम्मीदवार का नाम भेजा था, लेकिन राहुल गांधी जी ने रणदीप सुरजेवाला को कहा चुनाव लड़ने के लिए, तो वो लड़ने के लिए तैयार थे निश्चित रूप से। उनका एक स्वागत करना चाहिए, हाईकमान का फैसला था रणदीप सुरजेवाला को यहाँ पर मैदान में उतारने का। और साफ तौर पर सोनी जी भी का भी कहना है कि आपके पास कोई चारा नहीं था कि वहां से कोई उम्मीदवार खड़ा किया जा सके, और आपने भी जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि यहाँ पर उधार का कैंडिडेट खड़ा किया गया, तो आप पर भी सवाल उठते हैं ऐसे? तो नहीं, बिल्कुल सवाल नहीं उठता है। आप बताइए कैसे, नरवाना से पहले विधायक नहीं थे जींद से रणदीप सिंह सुरजेवाला, और नरवाना रिजर्व हुई तो उन्हें कैथल जाना पड़ा। आप देखिए नरवाना में कितना विकास कराया कैथल, वहां के लोग वहां पे लेके आए। अगर अगर उधार के उम्मीदवार होते तो उधार के उम्मीदवार का जनता जवाब दे देगी आज। और कैंडिडेट का फैसला करना ये हाईकमान का है, और हमारी पूरी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी और सभी नेताओं ने मिलकर एकजुट होकर ये फैसला लिया है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला उम्मीदवार होंगे और जींद की जनता। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिसको जनता ना चाहे, कोई भी पार्टी कहीं से भी उसको जबरदस्ती उम्मीदवार बनाकर नहीं थोपती। जी मोहन जी, आज फैसला हो जाएगा कि जनता जो है उधार के कैंडिडेट को ज्यादा प्यार देती है या फिर रणजीत सुरजेवाला को प्यार देती है। सोनी जी क्या कहेंगे आप? देखिए मैं करेक्ट कर दूं, रणजीत जी नहीं है, रणदीप सिंह सुरजेवाला। माफ कीजिएगा, रणदीप सिंह सुरजेवाला। देखिए ये तो अब कुछ समय की बात रह गई है, हम कुछ दावे प्रति दावे करें उसका कोई अर्थ ही नहीं है अब। लेकिन एक बात है, बार बार बात उठती रही है और ये मुद्दा भी बना है कि एक कैथल के विधायक को ही मैदान में क्यों उतारा गया रणदीप सुरजेवाला जी के पास, इसका कोई जवाब नहीं था। जो एक विधायक पहले से ही है तो उनको स्थान से इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको दोबारा मैदान में क्यों उतारा गया? बीजेपी के लोग भी ये सवाल उठाते रहे, दूसरे जननायक जनता पार्टी के भी उठाते रहे। तो कांग्रेस के लिए अगर कहीं दिक्कत आएगी तो इसी मुद्दे पर आएगी कि जींद के लोगों ने ये सोचा जो पहले से ही विधायक है उनको दोबारा विधायक क्यों चुना जाए, उन्होंने फिर एक सीट से इस्तीफा भी देना है। तो ये बात अवश्य है कि नरवाना से थे पहले, उनको वो जब रिजर्व हो गया तो उनको कैथल की ओर रुख करना पड़ा, उनकी जो राजनीति जो रुचि थी शुरू से जींद के प्रति थी। लेकिन अब अगर वो करेंगे तो, अगर मान लीजिए वो विधायक ही बन जाते हैं तो कितना विकास हो पाएगा तो जींद का, कितना विकास हो पाएगा? वो तो कुछ समय की ही बात है, क्योंकि फिर तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो ये सब आचार संहिता लगने वाली, उस समय के लिए क्या कह रहा कर पाएंगे विकास, कितना कर पाएंगे? और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी ये कहा है कि वो जो है चारा तो जींद का खाएंगे और दूध जाके दिल्ली में देंगे, एक तरह से उन्होंने उस पर ये व्यंग किया है। तो मतलब कहने का आशय ये है कि अगर वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रहेंगे या जींद के लिए समय निकाल पाएंगे, रणदीप सिंह सुरजेवाला बहुत बड़ा चेहरा है, राहुल गांधी जी के काफी विश्वस्त हैं, उनकी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी भूमिका है। तस्वीरें जी आपको रोकना चाहूंगी सोनी जी, यहाँ पर तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं काउंटिंग सेंटर की, जहाँ पर जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको आप देख पा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला को आप देख पा रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट, और लगातार आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, तो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। टोटल न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख पा रहे हैं, काउंटिंग सेंटर के अंदर की, भीतर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम जो बड़े चेहरे वो आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस से कैंडिडेट रणदीप सुरजेवाला को आप देख पा रहे हैं, यहां पर इंतजार कर रहे हैं रुझानों का। रुझान जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे यहां का माहौल भी बदलेगा, लेकिन आपको सीखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं काउंटिंग सेंटर से।
सोनी जी के पास जाएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सोनी जी, रणदीप सुरजेवाला ने, चलिए इससे पहले महेश के पास हम जाएंगे, काउंटिंग सेंटर पर वो मौजूद हैं, उनसे लेंगे क्या कुछ अपडेट वहां से मिल रही है। महेश, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, टोटल न्यूज के दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरअसल ये अंदर की तस्वीरें तक लगातार पहुंचा रही हैं। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ईवीएम मशीनों की काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो इन्हीं टेबल्स पर शुरू हुई है। तो ऐसे में रणदीप सिंह सुरजेवाला अंदर मौजूद स्क्रीन पर आपको नजर आए हैं। इसके अलावा दिग्विजय सिंह चौटाला नजर आए, उमेद सिंह रेडू नजर आए हैं। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह तैनात नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर से कह सकते हैं कि अब जो रुझान निकल कर सामने आएंगे वो हमारे दर्शकों के लिए बेहद उत्साहजनक कह सकते हैं और हरियाणा की राजनीति में, भविष्य की राजनीति में किस तरीके से इन चुनाव परिणामों का असर पड़ेगा, तमाम चीजें उसका जिक्र जो है इसके बाद शुरू किया जाएगा। करीब 12 बजे तक का वक्त रहेगा जब चुनाव परिणाम जो है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट होते नजर आएंगे। फिलहाल मान ये रहा जा रहा है, मानकर ये चला जा रहा है कि जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो घमासान है वो देखने को मिलेगा। हालांकि रणदीप सिंह सुरजेवाला भी अंदर दाखिल हो चुके हैं और चेहरे पर कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के चेहरे पर भी नजर आ रहा है। तो पूरी तरह सुरजेवाला भी नहीं है, या ये कह सकते हैं कि परिपक्व राजनीति करते हैं, मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं, तो ऐसे में शायद मन के भाव वो अपने चेहरे पर उजागर नहीं होने देते। जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, ये अंदर की तस्वीरें हैं, काउंटिंग सेंटर के भीतर की तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये वो मशीनें हैं जहां पर 14 काउंटिंग टेबल्स बनाए गए हैं और इन 14 काउंटिंग टेबल्स पर ही जो हैं वो काउंटिंग अंक को लेकर रखी गई हैं, ईवीएम मशीनें रखी गई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने टोटल के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। जी बिल्कुल महेश जी, इन उपचुनाव पर टोटल न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज लगातार हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं किस तरह से जो मतगणना का काम है वो शुरू हो चुका है। काउंटिंग सेंटर्स के अंदर की तस्वीरें जहां पर बहुत मुस्तैदी के साथ अब काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सबसे तेज नतीजे, सबसे पहले कवरेज दिन भर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। महेश, ये बताइए कि अगर पहले रुझान की बात की जाए तो क्या कुछ समय बताया जा रहा है कि कितने बजे तक पहला रुझान सामने आ जाएगा? देखिए, आप मिनटों की बात कीजिए, अगले कुछ मिनटों के बाद शायद हो सकता है कि 15-20 मिनट या करीब आधे घंटे में जो शुरुआती रुझान है वो सामने आने इंतजार रहेगा, शुरुआती रुझान का, और उसको लेकर इंतजार अगर है तो पहले रुझान का, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है, वोटिंग का जो ट्रेंड है, चुनावी घमासान किस तरीके का रहा, कौन सा राजनीतिक दल कितनी हैसियत हासिल करने जा रहा है, एक पहले रुझान के साथ ही एक जो कह सकते हैं कि शुरुआती तस्वीर जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी। जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला बैठे हैं, दिग्विजय चौटाला बैठे हुए हैं। वास्तव में महेश, कह सकते हैं कि अब तक उपचुनाव सिर्फ राज्यों के अंदर की चर्चा की बात हुआ करती थी, लेकिन ये शायद पहला उपचुनाव ऐसा है जो कि राष्ट्र स्तर का बन गया है और राष्ट्र मीडिया भी कवरेज पर है। देखिए, सातों से टोटल न्यूज चूंकि हरियाणा का चैनल है, तो ऐसे में अपने दर्शकों को हरियाणा की हर छोटी बड़ी खबर से वाकिफ करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो ऐसे में हमारे लिए ये विशेष महत्वपूर्ण था, लेकिन जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला एक राष्ट्रीय राजनीति का चेहरा है और माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी में एक रणकम उम्र में एक राजनीतिक दल को लीड वो कर रहे हैं दोनों भाई दिग्विजय और दुष्यंत, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उतना जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है अभी तक दिग्विजय सिंह के पास नहीं है कि वो अपने मन के भाव को छिपा पाए। तो यही वजह है कि चेहरे पर थोड़े यहाँ पर चिंता के जो एक इंप्रेशन है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्थिति कमजोर है, क्योंकि काफी अच्छा वोट उन्हें हासिल हुआ है और मुकाबले में जीत की रेस में आप कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह चौटाला है और सिर्फ कह सकते हैं कि दिल की धड़कनें तेज हुई हैं, क्योंकि आगे क्या कुछ रहेगा, तैयारी कितनी भी अच्छी हो, इम्तिहान से पहले स्टूडेंट्स का जो मन है थोड़ी देर के लिए घबरा, तो वही स्थिति मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह चौटाला की सख्त नजर आ रही है। बिल्कुल, और चूंकि ये समय बड़ा कठिन रहा है जननायक जनता पार्टी के लिए, दुष्यंत और दिग्विजय के लिए खासतौर पर, महेश, चूंकि इनेलो से निकाले गए, एक खींचतान सोशल मीडिया में, पूरे मीडिया में और पूरे समाज में ये मैसेज गया कि जिस तरह से वीडियो भी वायरल हुआ दादा और दादी का, कि गद्दार बताए गए हैं, देशद्रोह बताए गए हैं,
ये सब भी फैक्टर्स साथ साथ में चलते रहे होंगे, उसके साथ अपने पार्टी को खड़ा करना, हालांकि काडर तो इनेलो का ही है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने जाना, उन्हें कन्विंस करना, ये सब कुछ वास्तव में बड़ा मुश्किल रहा होगा दिग्विजय सिंह चौटाला के लिए। देखिए, जैसा कि हम अपने दर्शकों को लगातार बता रहे थे कि जननायक जनता पार्टी का नाम भले नया हो लेकिन काडर पुराना है, लीडरशिप जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल की कैरी फॉरवर्ड है, उसके अलावा जो वोटर है वो इंडियन नेशनल लोकदल का कैरी फॉरवर्ड हुआ है, कहीं चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े जो लोग हैं, जो जींद के इलाके में पहले से भारी तादाद में मौजूद हैं, वही जो लोग हैं नेता और कार्यकर्ता जननायक जनता पार्टी में शिफ्ट हुए, तो ऐसे में पैकिंग नहीं है, चेहरा नया है, झंडा नया है, लेकिन पार्टी वही पुरानी है। और इंडियन नेशनल लोकदल की अगर मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे तो बेहद खराब हालात में इंडियन नेशनल लोकदल है, तमाम जो नेता और कार्यकर्ता थे वो शिफ्ट हुए हैं जननायक जनता। आप कुछ वीडियोस की बात कर रहे थे जो ओम प्रकाश चौटाला और उनकी धर्मपत्नी की तरफ से जो है जारी किए गए थे, एक भावनाओं का आवेग यहाँ पर जो है जननायक जनता पार्टी जब चुनाव। चलिए महेश, आपके पास हम लगातार आते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे, तो बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि जींद का उपचुनाव राष्ट्रीय राजनीति का उपचुनाव माना जा रहा है, दोहरी परीक्षा मानी जा रही है, चाहे बीजेपी के लिए हो, जननायक जनता पार्टी के लिए हो या फिर कांग्रेस के लिए हो, लेकिन जनता का फैसला सर्वोपरि है, और जनता का फैसला क्या है कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी, तकरीबन 12 बजे के आसपास माना जा रहा है कि तस्वीर साफ हो सकती है। मतगणना का काम शुरू हो गया है, त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है, हालांकि पहले माना जा रहा था कि चौतरफा मुकाबला है, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि सिर्फ दिग्विजय सिंह चौटाला, रणदीप सुरजेवाला और कृष्ण मिड्डा के बीच ये मुकाबला है, काफी दोहरी परीक्षा कह सकते हैं। कांग्रेस चाहती है एक बार दोबारा वापसी की जाए, बीजेपी का खाता पिछले 12 सालों में अब तक नहीं खुला है, शायद इस बार बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि उनके कृष्ण मिड्डा उनके उम्मीदवार हैं जिनके पिताजी 10 साल वहां पर विधायक रहे, उनको उम्मीद है कि हो सकता है इस बार परचम लहरा जाए, कमल खिल जाए। जननायक जनता पार्टी बहुत उम्मीद और दमखम के साथ मैदान में डटी हुई है। फिलहाल खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, स्वागत करना चाहूंगी आपका, मोहन ढिल्लो जी प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत आपका। वीरेंद्र सोनी जी वरिष्ठ पत्रकार, वीरेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत स्टूडियो में, और अजय गुलिया जी प्रवक्ता जननायक जनता पार्टी, अजय जी बहुत बहुत स्वागत, और हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हुकुम सिंह भाटी प्रवक्ता बीजेपी, हुकुम जी बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत आपसे हुकुम जी करना चाहूंगी, क्योंकि हरियाणा की राजनीति ऐसी है कि सबकी जुबान पर रहती है और चटकारे के साथ चर्चा की जाती है, अब ये बताइए कि आप क्योंकि सत्ता में हैं और निकाय चुनाव में बहुत अच्छी जीत आपने हासिल की है, कितने आश्वस्त हैं आप? हुकुम सिंह जी, चलिए शायद करेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन आपके पास मोहन ढिल्लो जी आप बताइए, क्योंकि हम लगातार दिखा भी रहे हैं कि जो चुनावी विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि बेशक रणदीप सुरजेवाला एक बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय चेहरा है, और उनके चुनाव में उतरने से बहुत फर्क भी पड़ा है, इंटरेस्टिंग हो गया है मुकाबला, लेकिन वो दिग्विजय सिंह चौटाला के मुकाबले हल्के हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, वोट शायद जाट वोट उन्हें उतना ना मिले और बड़ा जाट बन जाए दिग्विजय सिंह चौटाला। देखिए पूजा जी, मैं पहले ही बोल चुका हूं कि हम आपसी भाईचारे का, और हमने जींद के अंदर विकास की लड़ाई लड़ी है, विकास के लेकर हम जनता, जो विकास के वादे भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से किए थे, और आप देखिए वहां पर जो पहले उम्मीदवार थे वो इनेलो के थे, जो उनके बेटे अब चुनाव लड़े डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी भारतीय जनता पार्टी से, तो आप देखिए ये तो इनकी एक ही बात थी भारतीय जनता पार्टी की और इनेलो की, और हमने जो वहाँ पर चुनाव लड़ा वो विकास के नाम पर लड़ा, और आप देखिए जिस तरह से आपके पत्रकार भी बता रहे थे अभी, उन्होंने बताया कि कभी भी कांग्रेस पार्टी ने आपसी मतलब किसी जातीय समीकरण को लेकर जींद में चुनाव नहीं लड़ा, और हमने सब लोगों को साथ लेकर, सभी जातियों को साथ लेकर, बल्कि हम तो ये कहते हैं हम सब में प्लुरलिज्म में ही अपनी बहुलता में ही अपनी जीत मानते हैं, और सभी चीज़ों को हमने साथ रखकर और बहुत अच्छे से जींद की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, और जो हम लोगों के बीच गए जिन जिन मुद्दों को लेकर वो बिल्कुल जेन्युइन थे, और लोगों ने हमसे खुद संपर्क किया, खुद जुड़े और बहुत भरपूर प्यार दिया, और निश्चित तौर से देख लेना जैसे ही रोजाना आने स्टार्ट होंगे स्पष्ट भी करेंगे कि हम। लेकिन डर तो था आप में मोहन जी, डर तो था क्योंकि आपने एक राष्ट्र चेहरे को उतारा, एक सिटिंग एमएलए को उतारा, इसका मतलब ये था कि चुनौती बहुत बड़ी थी आपके सामने। देखिए मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि चेहरों के सामने हमेशा चेहरे ही चुनाव लड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और ये उपचुनाव था, और उपचुनाव किसी भी पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और जींद से पहले भी विधायक चौधरी भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी पहले भी विधायक रह चुके हैं, और उन्होंने जींद की जनता के लिए बहुत काम किया, और जींद की जनता
जींद की जनता के विश्वास पर, जींद की जनता के बुलाने पर और हमारी सारी हरियाणा की लीडरशिप की एकता के ऊपर उन्हें उम्मीदवार बनाया गया और सारे लोग इकट्ठे होकर उन्हें समर्थन दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम इस तरह से उम्मीदवार बनाना, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो वो चुनाव लड़ते हैं, बड़े चेहरे या कैथल से लड़े, जींद से लड़े, नरवाना से लड़े, तो कोई ऐसी मेरे को लगता नहीं कि इसमें। चलिए अजय जी ये बताइए, दिग्विजय सिंह चौटाला हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, काफी सोच विचार में पड़े हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे सहयोगी भी यही बता रहे थे क्योंकि नया नया पहला चुनाव है दिग्विजय सिंह चौटाला का, तो शायद अभी अपने भावों को, अपने हावों को छुपा नहीं पा रहे हैं, गहरे मंथन में है, चिंता की बात है क्या? नहीं पूजा जी, देखिए चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। जींद की जनता ने, और मैं तो ये कहूंगा बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता ने, जो हमें प्यार और आशीर्वाद दिया है उसके लिए हम सदैव तव उम्र उनके ऋणी रहेंगे और उस ऋण को चुकाया भी नहीं जा सकता। और देखिए पूजा जी, चतुर लोग होते हैं जो अपने मन के भाव को या अंदर की बात को छुपा जाते हैं। हम तो साधारण किस्म के लोग हैं और एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। दिग्विजय चौटाला जी ने तो सदैव छात्र हितों की बात करी, उनके बीच में रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये उनकी USP है कि जो उनके अंदर है वही उनके बाहर है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप बहुत बड़े नेता बन जाएं, परिपक्व बन जाएं, जैसे कि वो कह रहे थे रणदीप जी के लिए, तो आप अपने मन के भाव को छुपा लें। ये तो एक क्वालिटी है कि जो आपके अंदर है वही बाहर है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो आशीर्वाद और प्यार जिनकी जनता ने दिया है उसका रिजल्ट आज आने वाला है और बिल्कुल आश्वस्त हैं। हाँ। और इस हुकुम सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? आप हुकुम सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी पहुंच रही है बिल्कुल। अब चलिए, आपकी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही, लेकिन मेरा सवाल यह है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, बहुत टफ फाइट है, कृष्ण मिड्डा आपके प्रत्याशी हैं जिनके पिताजी 10 साल विधायक भी रहे जींद के, कैसे चुनौती आप देख रहे हैं? क्योंकि हो सकता है लोग नाराज रहे कि 2 महीने पहले आपका कैंडिडेट आया, उसको आपने प्रत्याशी बना दिया, 12 साल से आपका एक भी विधायक यहां पर नहीं चुना गया, नहीं बना है, कितनी चुनौती आप देख रहे हैं इस इलेक्शन में? पूजा जी देखिए, इस चुनाव में हमें कहीं कोई चुनौती सामने नजर नहीं आती। अगर आप ये कहें कि 12 साल से यहां भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा नहीं चुना गया, तो हम तो हरियाणा प्रदेश में पहली बार सरकार हमने बनाई है, तो ये तो कोई विशेष बात नहीं है। हम अवश्य तौर से जींद का चुनाव जीतेंगे और ये चुनाव हम जो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, आपका विधायक नहीं है हुकुम सिंह जी, तो चिंता तो आपके अंदर होगी और कुछ तो आपने रणनीति बनाई होगी कि इस बार पता किया जाए। पूजा जी देखिए, चिंता तो इसलिए नहीं है कि हमने कहा है कि हमने तो हरियाणा में भी पहली बार सरकार बनाई थी, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है और विकास के आधार पर हमने ये पूरा चुनाव लड़ा है और अवश्य रूप से हम इसे जीतेंगे। चलिए वीरेंद्र जी, अब फाइनल कमेंट मैं आपसे ले रही हूं, चूंकि सब लोग विकास की बात करें। बहरहाल एक रिजल्ट ब्रेकिंग पहले देख लेते हैं, जींद उपचुनाव का रुझान कुछ ही देर में टोटल न्यूज पर सबसे पहले सबसे तेज अंदाज में आप तक हम पहुंचाएंगे। बेहद ही अहम ये मुकाबला और न सिर्फ हरियाणा की राजनीति को बल्कि राष्ट्र राजनीति को बदलने वाला इस चुनाव को माना जा रहा है। थोड़ी ही देर में रुझान सबसे पहले आप देखिए टोटल न्यूज पर, सबसे बड़ी कवरेज के साथ हम लगातार बने हुए हैं, मतगणना का दौर शुरू हो चुका है और कुछ ही देर में सबसे पहला रुझान टोटल न्यूज पर। वीरेंद्र जी, चूंकि हम जींद की बात कर रहे हैं और सबने विकास का मुद्दा उठाया कि हम विकास के लिए चुनाव में हैं, लेकिन आपको लगता है कि 53 सालों से जींद जो कि राजनीतिक केंद्र रहा, बड़ी बड़ी रैलियां यहां पर हुई, सबने बड़ी रैलियां की, लेकिन कहा जाता है कि रैली यहां पर होती है तो विकास बाहर होता है, आपको लगता है किस रेस में है जींद? जींद के लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि अभी भी परसेप्शन है, लोग यही कहते हैं कि जींद शहर नहीं है, बड़ा सा गांव है। नहीं, निश्चित रूप से जो जींद का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और आगे भी हो पाएगा इस पर भी मैं संदेह व्यक्त करता हूं, क्योंकि फिर उसके बाद 6 महीने में चुनाव आने वाले हैं, तो जींद की जनता अपने आप को ठगा महसूस भी कर सकती है। जींद में चौधरी देवीलाल जी ने समस्त हरियाणा सम्मेलन किया, डॉक्टर मंगल सेन जी भी उसमें थे और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि पहली बार सरकार बनी, निश्चित रूप से पहली बार सरकार बनी है, लेकिन चौधरी देवीलाल जी के साथ भी आप सत्ता में भागी रहे हो, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भी रहे हो, बंसीलाल जी के साथ भी भागीदार रहे हो, तो जींद के लिए बीजेपी ने कोई विकास की कोई ऐसी योजना बनाई हो या जींद के लिए कुछ उसने मास्टर प्लान बनाया हो, ऐसा नहीं है। अब जींद के लिए विकास की बात कर रहे हैं, सभी दल करते हैं और ये करते भी रहेंगे, आगे भी होती रहेगी,
लेकिन जींद का जो समुचित विकास होना चाहिए था उस ढंग से जींद के लोग सोचते हैं वो वैसा विकास नहीं हो पाया। हालांकि अपना ओम प्रकाश चौटाला जी के समय में भी उन्होंने अपने ढंग से प्रयास किए हैं, चौधरी बंसीलाल जी ने भी किए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शासनकाल में भी इस ढंग की योजनाएं बनी हैं, लेकिन जींद के लोग ये नहीं मानते कि उनको जो विकास में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी या सत्ता में जो भागीदारी मिलनी चाहिए थी। चौधरी मांगेराम गुप्ता जी अवश्य मंत्री रहे, बृजमोहन सिंगला जी भी मंत्री रहे, लेकिन जो विकास की उनको उम्मीद थी वो उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। इसलिए जींद के मतदाताओं में खीज है, क्षोभ है, वो कहीं ना कहीं प्रकट होता है। अब सभी दल विकास का दावा कर रहे हैं, विकास के साथ साथ विकास जब गौण हो जाता है, जब जातिगत समीकरण आ जाते हैं तो विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं। समीकरण आपको लगता है वीरेंद्र जी कुछ ज्यादा ही हावी है, क्योंकि हर कैंडिडेट यही बात करता है कि बनिया समुदाय हमारे साथ है, वैश्य हमारे साथ है, पंजाबी हमारे साथ है, ऐसे में विकास का मुद्दा आपको लगता है वास्तव में बड़ा मुद्दा रह गया आजकल के इलेक्शन में? नहीं, विकास का मुद्दा गौण हो गया है, सब जातिगत समीकरण की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात तो सिर्फ मंचों पर अलग अलग होती है, लेकिन जो भी उम्मीदवार को टिकट दी जाती है वो जातिगत समीकरण के आधार पर दी जाती है, वो जीत की संभावना देखते हैं, किस जाति के व्यक्ति को टिकट दी जाए तो वो चुनाव जीत सकता है, उसी आधार पर टिकट दी जाती है और उसी के मतदाताओं को बुलाने के लिए अपने अपने ढंग से प्रयास किए जाते हैं। तो अब ये सब अपने अपने देखने की बात है, विकास के बाद तो गौण है, जातिगत समीकरण हावी है, सभी उम्मीदवारों के सामने एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं अपनी जाति, अब देख लिए लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जो राजकुमार सैनी जी की पार्टी है तो उसने एक ब्राह्मण को उतारा मैदान में, उस ढंग से भाई सैनी भी और ब्राह्मण भी, इस तरह सभी का एक मापदंड रहता है और उसी पे सब अपने आप ढंग से प्रयास करते हैं। अब ये जींद के मतदाताओं ने जो है जातिगत समीकरण में कहीं ना कहीं वो फंसते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल हुकुम सिंह जी, ये बताइए कि आपने पूरा इलेक्शन देखा, खूब डटे भी रहे आप लोग, मुख्यमंत्री पहुंचे वहां रैलियां करने, बड़े बड़े मंत्री वहां पर पहुंचे थे, कलराज मिश्र भी पहुंचे वहां, लोगों से अपील करते नजर आए थे जींद उपचुनाव के लिए, यानी कोई भी आपने लूपहोल छोड़ा नहीं, उपचुनाव भी किसी बड़े चुनाव की तरह नजर आया। हुकुम सिंह जी, पूजा जी देखिए, मैं आपको एक गीता से एक दृष्टांत बताता हूं कि जब अर्जुन को कृष्ण भगवान संदेश देने लगे तो उससे पहले उन्होंने दो शब्द कहे, तो वो थोड़ा सा अंग्रेजी की एक कहावत है, ओ फादर डोंट टू पुट मी ए टेस्ट, मतलब हे भगवान मेरी परीक्षा ना लो। तो देखिए चुनाव एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है और भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए हमारा तो नीचे से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े से बड़े नेता उसमें जो है अपने अपनी भागीदारी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करते हैं और हमने किया है और हमने विकास के मुद्दे को बड़ा अहम रखा है। और सभी आप अभी जातियों की बात कर रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा कि हमने उस जाति की वोट लेंगे उसकी लेंगे, हमने हमेशा कहा है सबका साथ सबका विकास, हम सबसे वोट मांगेंगे सबसे अपील करेंगे और जो हमने काम किए हैं और जो करने हैं वो लोगों के सामने रखे और इसी पर हमारा पूरा आत्मविश्वास है और ये विश्वास बरकरार रहेगा, हम अवश्य जीतेंगे। मोहन जी, हमने ये भी देखा कि कांग्रेस भी खूब विश्वास के साथ नजर आई, बड़े बड़े चेहरे जो अलग अलग दिशा में जाते थे पहली बार एक साथ नजर आए, गाड़ी में जा रहे हैं सारे नेता एक साथ रणदीप सुरजेवाला की नॉमिनेशन फाइल करने में, लेकिन ये वास्तव में क्या जो आपका जो मनभेद था वो खत्म हो गया या सिर्फ ये दिखावटी था, सिर्फ इस इलेक्शन तक है, उसके बाद दोबारा वही सब कुछ गुटबाजी और अलग अलग खेमा? देखिए पूजा जी, मैं आपको पहली बात और एक में ये जो साथ था, आपको लगता है इस तालमेल से, इस साथ से बात बनेगी? देखिए बिल्कुल सभी लोग हरियाणा में साथ हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और सभी लोगों को और किसी भी पार्टी के अंदर आप देख लीजिए विवाद की बात करेंगे तो कोई पार्टी आंतरिक विवाद सब पार्टियों के अंदर है। आंतरिक विवाद में पार्टियां दो बन गई, घराने दो पार्टियों में बन गई, आंतरिक लोकतंत्र है, सब अपनी अपनी पार्टी करते हैं। अब देखिए चुनाव, देखिए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर हो रहे हैं, बड़ी कवरेज सटीक खबरें सबसे पहले आप तक टोटल न्यूज पर।